In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. Assalamualaikum दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML5 का DFN element. जिस तरह के दोस्तों नाम से जाहिर है, DFN means definition, define, या के किसी चीज को define करना या उसकी definition जो है वो लिखना या definition जो है वो define करना. तो दोस्तों DFN मेरे ख्याल से इतना को complicated नहीं है कि मैं इसके बारे में मजीद आपको जो है वजाहत दो. तो हम जो है DFN जो टैग है इसको Adobe Green Universe CS6 में जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कि हम DFN को कितने तरीकों के साथ यूज कर सकते हैं और DFN जो है उस एलिमेंट उसका जो है टेक्स्ट के ऊपर कौन सा इफेक्ट और कैसे जो है वो इफेक्ट करता है. चलो चलते हैं Adobe Green Universe CS6 की तरफ. जी दोस्तों, ये रही Adobe Green Universe CS6 की विंडो. उसके अंदर हम देख रहे हैं कि DFN जो है वो मैंने यूज किया स्टाइल शीट है, छोटे स्टाइल शीट को बॉडी है, मार्कअप है, टर्म विद DFN है. तो उसके बाद मैंने पी ए टैग जो स्टार्ट किया DFN मार्कअप विद DFN जो है ये शो नहीं होगा ऐसे HTML के अंदर. जी दोस्तों अब ठीक है. तो पी टैग स्टार्ट किया, पी टैग के बाद मैंने DFN टैग स्टार्ट किया. DFN टैग के अंदर मैंने लिखा HTML, उसके बाद फिर DFN, इसके बाद मैंने इस द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस फिर टैग को क्लोज किया. तो अब देख रहे हैं कि हमने किस तरह से DFN टैग का इस्तेमाल किया. F12 प्रेस करते हुए हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो इसको जो है इसका व्यू ले सकते हैं या DFN जो है किस तरह से रिएक्ट करता है. जी हमने F12 प्रेस किया और हम यहाँ पे पहुंच गए. तो आप देख रहे हैं कि DFN जो है इसने HTML को इटैलिक में शो कर दिया. DFN जो है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है ये उसको इटैलिक में हमेशा शो करता है. तो इसने HTML को इटैलिक में शो कर दिया जो कि DFN की DFN की जो है वो स्टाइल है टेक्स्ट को शो करने का. उसके बाद मैं DFN के नेक्स्ट पे जाता हूँ और जस्ट द कंटेंट ऑफ DFN एलिमेंट. तो आप देख रहे हैं जस्ट एज द कंटेंट ऑफ द DFN एलिमेंट. उसके बाद मैंने HTML जो एग्जांपल दी और HTML को DFN के अंदर फिर शो कर दिया. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे HTML को शो नहीं करते. हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है उसको DFN में शो करते हैं. कंट्रोल एस देते हैं और F12 प्रेस करते हैं. तो अभी आप दोस्तों देख रहे हैं एलिमेंट, उसने कंटेंट ऑफ द एलिमेंट जो है उसको इटैलिक में किया. इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज. तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ टेक्स्ट को डेकोर कर रहा है और दिखा रहा है हमें कि हम किस तरह से जो है किसी भी वर्ड का जो डेफिनेशन है वो बयान कर सकते हैं. आई होप कि आप इसको DFN को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे. मजीद समझाने के लिए दो तीन और एक्सरसाइज है मेरे पास विद द टाइटल एट्रीब्यूट एडिटिव. जी दोस्तों, आप DFN के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं. टाइटल एट्रीब्यूट क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसके बाद आप HTML दे रहे हैं, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज. और DFN को और जो HTML है उसको आप DFN के अंदर रह के डिफाइन कर रहे हैं. मैं इसे कंट्रोल एस करते हुए F12 प्रेस करता हूँ. तो आप देखेंगे कि किस तरह इसने फर्स्ट एग्जाम्पल में इसने HTML जो है उसको इटैलिक में किया था. सेम ऐसे इसने HTML को यहाँ भी इटैलिक में जो है वो शो कर दिया. जी दोस्तों, उसके बाद DFN 3 है मेरे पास विद द AWPR टैग इनसाइड द DFN एलिमेंट. AWPR जिस तरह का दोस्तों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि एब्रिविएशन के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया है, DFN टैग स्टार्ट किया है, उसके बाद AWPR है. टाइटल मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के दिया. उसके बाद मैंने दोस्तों HTML उसके अंदर लिखा एब्रिविएशन के अंदर और फिर DFN टैग को क्लोज कर दिया. इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. तो अभी जो है वो थोड़ा सा बेहतरीन लुक देगा ये हमें और हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो बयान करेगा. हम F12 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से. जी दोस्तों, विद AWPR टैग विद इनसाइड द DFN एलिमेंट अब देख रहे हैं कि HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज. HTML क्या है, मैं HTML के ऊपर ले जाता हूं तो मुझे शो कर रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. तो अब जो है ये मजीद जो है इटैलिक में उसने HTML को कर ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये
हम उसकी जो है उसको एज ए क्योंकि हमने एब्रीवेशन यूज किया था तो एब्रीवेशन को या वो डिफाइन के साथ बयान कर रहा है डेफिनेशन के साथ कि जी ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जी। दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है डीएफएम की विद द आईडी एट्रीब्यूट एडेड देन व्हेनेवर ए टर्म इज यूज्ड इट कैन रेफर बैक टू द डेफिनेशन विद देन ए टैग। जी दोस्तों ए टैग के साथ ए टैग का जिस तरह की मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ए टैग जो है वो हाइपरटेक्स्ट जो है हाइपरलिंक जो है उसको क्रिएट करने के लिए यूज करता है। एग्जाम्पल है उसके बाद दोस्तों डीएफएन की आईडी मैंने इसमें इसके अंदर जो है एक आईडी बनाई और उसको मैंने नाम दे दिया एचटीएमएल डेफ का। जी दोस्तों उसके बाद एचटीएमएल लिखा डीएफएन को क्लोज कर दिया इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस पी टैग को क्लोज कर दिया दिस इज सम टैग्स पी टैग फिर पी टैग स्टार्ट किया दिस इज सम टैग्स पी टैग क्लोज कर दिया उसके बाद फिर पी टैग स्टार्ट किया लर्न उसके बाद मैंने ए टैग दिया एच आर ई एफ जो उसका रेफरेंस है वो दिया एचटीएमएल डेफ जो आईडी है उसके आईडी का मैंने साथ में हैश के साथ साइन जो है वो लगाया तो ये आईडी खुद बखुद बन गई। उसके बाद मैंने एचटीएमएल लिखा और ए टैग को क्लोज किया नौ पे क्लिक उसके बाद मैंने नौ लिखा ए टैग को क्लोज करते हुए और फिर उसके बाद पी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। हम क्या करेंगे हम इसको ब्राउजर में चेक करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से शो करता है विद द आईडी एट्रीब्यूट एडेड देन व्हेनेवर अ टर्म यूज्ड इट कैन रेफर बैक टू द डेफिनेशन विद एन ए टैग। एग्जांपल एचटीएमएल इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस दिस इज सम टैग्स दिस इज सम टैग्स फिर लर्न एचटीएमएल नाउ पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली उसी पेज के ऊपर यहां पे एचटीएमएल का दिया गया होगा HTML के बारे में डिफाइन किया होगा ये मुझे वहां पे लेके जाएगा इस चीज को देखने के लिए कि ये लिंक किस तरह काम कर रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अभी फिर बताता हूँ आप इस एड्रेस बार को देखिए इस एड्रेस बार को आप देख रहे हैं कि ये एड्रेस बार .html पे खत्म हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ .html के आगे HTML डेफ जो है आईडी जो है वो शो कर रहा है ये वाला हैशटैग के साथ तो इसका मतलब है कि ये मुझे उसी पेज के अंदर रहते हुए मजीद जो टैक्स है उसके ऊपर लेके जाएगा कि जी ये टैक्स है आप यहाँ पे HTML सीख सकते हैं। जी दोस्तों आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप इसकी सोर्स फाइल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप जो है कमेंट के क्वेरी बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह तआला आपको उसका आंसर दिया जाएगा। जी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे नए आने वाले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नई आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद असल अब्बास को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।